hello everyone welcome back to our channel so today we are going to discuss business meaning and its features. if you call someone someone says I'm busy So remaining busy is that they are doing the business business word he busy word say when you are occupied with some work that occupancy is called as business. If we know its meaning, तो मीनिंग में क्या आता है एंड कॉन्टिन्यूस इकोनॉमिक एक्टिविटी कॉन्टिन्यूस इकोनॉमिक एक्टिविटी ओके मतलब जो रेगुलर बेसिस पे की जाए और ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी उसको हम क्या बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी यू ऑल नो इफ डोंट गो बैक टू द लास्ट सेशन नाउ व्हेन दैट एक्टिविटी इज डन

Right? Kese if you see like some sites, Amazon, kya hota Continuous work hota hai? 24-7 utkar de order karo, it always keeps doing your work. It is so busy site, right? So, Amazon is the good example of doing business. After that, it gives so much employment to the people. So, business is that activity which gives employment to the people, along with it satisfies the needs of people. आप कितनी साइट्स पे देख लो बुकिंग साइट्स देख लीजिए फूड डिलीवरी एप्स देख लीजिए आपकी जितनी भी सर्विसेज हैं आज डन आज कैसे हो जाती हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स एंड दैट्स बिकॉज ऑफ बिजनेस सो बिजनेस जो है बच्चे आपके लिए एक बहुत ही हेल्पफुल हैंड है ओके नाउ इट्स फीचर्स द फर्स्ट फीचर इज इट डील्स इन गुड्स एंड सर्विस ट्रेड ओके डेफिनेशन में जैसे आपने देखा है बच्चे बिजनेस जो है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज में डील करता है प्रोडक्शन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर स्टोरिंग से लेकर ट्रांसपोर्टेशन से लेकर सेलिंग तक दिस इज ऑल अंडर द बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन में आप देख लीजिए उसका एक अलग से हब बन चुका है देन आप सेलिंग में देख लीजिए एक वास्ट डिफरेंस आ चुका है राइट नाउ एंड इफ वी कंपेर्ड टू द अर्यर टाइम ज बिकॉज ऑफ द बिजनेस तो बिजनेस की सबसे बड़ी करेक्टरिस्टिक क्या है इट डील्स विद गुड्स एंड सर्विस हॉस्पिटैलिटी सर्विस से ले लीजिए आप मेडिकल सर्विसेज ले लीजिए फूड सर्विस ले लीजिए डिलीवरी सर्विस लीजिए सो ऑल अंडर द बिजनेस नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक इज दैट इट इज अ कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी इट इज डन ऑन द डेली बेसिस अगर आपसे कोई पूछे अ सिंगल टाइम ट्रांजेक्शन क्या वो बिजनेस में आएगी नो नॉट एट ऑल सपोज यू हैव अ वॉच राइट आप अपनी वॉच को बेचना चाहते हो आपने किसी को सेल कर दी तो इज इट अ बिजनेस नो वाई बिकॉज इट्स जस्ट अ वन टाइम ट्रांजेक्शन अगर हाँ आपके पास शॉप है और उसमें ऑल टाइप ऑफ वॉचिज हैं क्लॉक है एंड यू आर ओपनिंग योर शॉप डेली कस्टमर्स आर कमिंग यू आर डूइंग सेल एंड यू आर ऑल्सो परचेजिंग फ्रॉम द होल सेलर

इनकम अर्न करना प्रॉफिट अर्न करना अगर आप बिजनेस कर रहे हो आप बिजनेस हो तो कहीं ना कहीं आप मनी माइंडेड पर्सन जरूर हो रहता है ना कि आपको पैसा तो अर्न करना है अगर आपके बिजनेस से पैसा ही नहीं आएगा तो वट इज द स्कोप ऑफ दैट बिजनेस वट इज दैट देन यू कैन यू आर जस्ट डूइंग सोशल एक्टिविटी सो दैट्स वाई बिजनेस इज सिस्टम एज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी मूविंग टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक द फोर्थ वन इज प्रॉफिट अर्निंग सो इट इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ बिजनेस प्रॉफिट अर्निंग इफ यू आर अ बिजनेस पर्सन एंड यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट प्रॉफिट देन यू आर फेलिंग समवेयर इफ यू आरव नो प्रॉफिट इन योर बिजनेस दैट्स अ बिग फेलियर बिजनेस तभी अच्छा माना जाता है जब आपका प्रॉफिट होता है वेन देर इज अ ग्रोथ सो येस इट इज रिलेटेड टू बिजनेस द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ़ बिजनेस इज रिस्क फैक्टर देखिए बच्चे बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें रिस्क हमेशा चलता है इट ग्रोज ऑन साइमल्टियसली इफ यू आर फेसिंग अ रिस्क एंड यू आर अ बिजनेस मैन यू आर अ बिग चैलेंजर हाउ क्योंकि बच्चे रिस्क से अगर आप ओवरकम कर जाएंगे तो बिजनेस आपका ग्रोथ करेगा जितना हाई रिस्क फैक्टर आपके बिजनेस का रहेगा उतना ही पोटेंशियल ग्रोथ का रहता है दैट इज वाई रिस्क इज अनदर नेम ऑफ बिजनेस इसलिए बहुत से लोग बिजनेस से बचते भी हैं दोज हु डोंट वॉन्ट टू टेक चैलेंज एंड इफ यू आर अ चैलेंजर यू विल स्टार्ट योर ओन बिजनेस नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट इट्स एन अनसर्टेन एक्टिविटी रिस्क फैक्टर से ही बचे हमारे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है अनसर्टेनिटी एज आई सेड देर इज अ लोट ऑफ रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व इन द बिजनेस दैट्स वाई बिजनेस इज एन अनसर्टेन एक्टिविटी यू नेवर नोज वेन इट विल ग्रो एंड वेन इट विल फॉल राइट आपको कब बहुत ज्यादा ग्रोथ मिल जाएगी और कब एकदम से आपको फेलियर मिल जाएगा सो दैट्स वाई एवरी डे एवरी डे इज अनसर्टेन अबाउट बिजनेस

वट एवर गाइडलाइंस दे हैव लेड यू हैव टू वर्क अंडर दोज गाइड लाइन्स इफ़ यू क्रॉस दोज गाइडलाइंस और या आप उनके गाइडलाइन से अपोजिट वर्क करते हो तो येस दे विल हार्म योर बिजनेस और शायद ऐसा भी टाइम आ जाए कि आपको अपना बिजनेस शट डाउन करना पड़ सकता है फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट कोई गाइडलाइन ले डाउन करें या टैक्स डिपार्टमेंट कोई गाइडलाइन ले डाउन करें अभी जी एस टी हमारा आया है तो मतलब लाइक like, आपका जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से कुछ पार्ट आपको जीएसटी के लिए देना है टैक्स भरना है एंड सपोज आप अपना टैक्स नहीं भर रहे हो तो कहीं ना कहीं यू आर इनवाइटिंग दोज अथॉरिटीज टू कम एंड शेड डाउन योर बिजनेस दैट्स वाई बिजनेस को हमेशा लीगल अथॉरिटीज के पेरीफ्री में ही करिए द नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन देखिए बच्चे Business is done to satisfy the needs of the people of society, and somewhere it satisfies the consumer's need. Right? So, business ka main aim kya hai? Consumer ki needs ko satisfy karna. If your needs are not satisfied, why will people come to you and will purchase your products? Right? There will be no chances that people will come back and purchase your product. If you are not fulfilling all their desires or giving them the point of satiety, then your business is failing somewhere. I'll give you an example. Zomato le Kyun log zomato ko ab Zomato zomato. Why? Because it's going so much on a high rate by satisfying the needs of people by delivering the food within just fraction of seconds. That's why. अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो अगर आपका एम कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन का है तो कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो ओके सो ऑल दीज आर द दैरक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस अलोंग विद आई टोल्ड यू मीनिंग ऑफ बिजनेस तो अब आप अच्छे से सब कुछ समझा सकते हैं इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट इफ यू आर फोकसिंग ऑन द टॉपिक और अगर आप पॉइंट्स को अच्छे से लिखोगे विद एग्जाम्पल्स रिमेंबर एग्जाम्पल्स लिखोगे यू विल श्योरली गेट गुड मार्क्स टिल देन Have a happy day. Thank you.